गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट 9 हमारी चल रही है परिवहन एवं संचार, जिसमें हम परिवहन के प्रमुख प्रकार कर रहे थे, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कल हमने सड़क परिवहन के बारे में डिस्कस कर लिया था, आज हम करेंगे रेल परिवहन, रेल मार्ग, रेल मार्ग क्या होते हैं। जो लंबी दूरी तक की जो यात्राएं की जाती हैं सामान व वस्तु एवं व्यक्तियों के द्वारा सवारियों के लिए, लंबी दूरी तक की जो यात्रा की जाती है वो रेल परिवहन के माध्यम से सर्वोत्तम मानी गई है। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई, जो कहां से कहां तक चली, मुंबई से ठाणे के बीच चली। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। इसकी कुल लंबाई जो थी वो 34 किलोमीटर थी, कुल लंबाई इसकी 34 किलोमीटर थी, जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इसका निर्माण किया था। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, जब भारत में पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी, पहली जो मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की लंबाई में थी। और 1854 में कोलकाता से रानीगंज तक, भारत की जो रेलवे लाइन थी वो चलाई गई। भारत का पहला रेलवे विद्युत रेल मार्ग, पहला विद्युतीकृत जो रेल मार्ग था विद्युत के द्वारा जो बनाया गया, पहला रेल मार्ग 1925 में जो मुंबई से कोरला के बीच में चलाया गया। भारतीय रेलवे विश्व की कौन से स्थान पर आती है, सबसे बड़ी तीसरे स्थान पर भारत की जो रेलवे लाइन है वो विश्व में तीसरे स्थान पर है, और रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का स्थान है चौथा। सबसे बड़ी लाइनों की दृष्टि से देखें तो तीसरा स्थान है, और रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो विश्व में भारत का चौथा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है इसमें, प्रथम स्थान है आपका यूएसए, जो सड़क परिवहन में भी प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान है रूस का, और तृतीय स्थान आपका चीन, और चौथे स्थान पर आपका भारत। रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान यूएसए, द्वितीय रूस, तृतीय चीन, और चतुर्थ स्थान है भारत का। भारत में कुल रेलवे जोन कितने रेलवे जोन हैं, भारत में कुल 17 रेलवे जोन हैं, भारत में कुल 17 रेलवे जोन हैं, जिसके अंतर्गत आपके प्रमुख रेलवे जोन दिखाई दे। रेलवे जोन क्या होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे जब ट्रेन चलती है तो उसके ऊपर लिखा होता है उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये जो ट्रेन है ये किस दिशा से किस दिशा तक चलने वाली ट्रेन है, उसका अर्थ ये होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो रेलवे हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, कहाँ उनके मुख्यालय हैं। ये देखो, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल का प्रबंधन एवं संचालन नई दिल्ली से इसका होता है, जो आपका उत्तर में स्थित है मुख्यालय नई दिल्ली, और नई दिल्ली से ही यहाँ का प्रबंधन एवं संचालन होता है। मध्यम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, जो मुंबई से संचालित होती है। दक्षिण रेलवे चेन्नई, पश्चिमी रेलवे मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर पूर्वी रेलवे जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है, उत्तर पूर्वी सीमा पार रेलवे जो गुवाहाटी में स्थित है,
पूर्वी मध्य रेलवे पटना में, जो बिहार में स्थित है आपके हाजीपुर, वहाँ आपका मुख्यालय है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर और कोलकाता मेट्रो जो है आपके कोलकाता में स्थित है, जो देश का पहला मेट्रो बनाया गया था कोलकाता में। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रमुख रेलवे मुख्यालय जो 17 जोन में बांटा गया है। इससे आगे आता है रेलवे गेज। रेलवे गेज का अर्थ होता है कि भारत में कितने प्रकार की जो रेलवे गेज है वो पाई जाती हैं, यानी कि रेलवे लाइनें हैं जो किस किस तरह की बिछाई गई हैं। तो मुख्य रूप से 3 तरह की रेल लाइनें भारत में बिछाई गई हैं, बड़ी लाइन, मीटर गेज और तीसरी है आपकी छोटी लाइन। बड़ी लाइन जिसकी लंबाई, जिसकी पटड़ियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1.676 मीटर के बीच होती है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो है 101,486 किलोमीटर, 101,486 किलोमीटर इसकी लंबाई, कुल लंबाई है। इसकी पटड़ियों के मध्य की जो दूरी होती है वह 1.676 मीटर के बीच होती है। दूसरी है मीटर गेज। मीटर गेज की जो पटड़ियों के बीच की दूरी होती है वो 1 मीटर होती है, और इसकी कुल लंबाई 9290 किलोमीटर मापी गई है। अगला आता है छोटी लाइन। छोटी लाइन जिसकी पटड़ियों के बीच की जो दूरी होती है वो 0.762 मीटर होती है, और इनकी कुल लंबाई है इसकी 2841 किलोमीटर। तो ये जो तीनों लाइन हैं, बड़ी लाइन जो है उसकी सर्वाधिक लंबाई है, फिर मीटर गेज जिसके पटड़ियों के बीच की दूरी 1 मीटर और 9290 किलोमीटर की लंबाई में वो फैली हुई हैं, छोटे गेज 0.762 मीटर और 2841 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। तो इसके साथ ये आपका रेलवे लाइन का, रेल मार्ग का जो था टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे जलमार्ग और वायुमार्ग।